लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद से यूपी बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने यूपी बीजेपी के नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बैठक में एक नेता ने दावा किया कि वाराणसी में विश्वासघात किया गया है। बैठक में संगठन के एक बड़े नेता ने कहा कि जो विधायक वोट दिला पाने में कामयाब नहीं रहे हैं, 2027 विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कटना चाहिए। माना जा रहा है कि संगठन ने इस बात पर मुहर लगा दी है। बैठक में बीजेपी के सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों ने भी अपना ब्यौरा पेश किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्वासघात का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा बलिया से नीरज शेखर के हार पर भी चर्चा हुई। वहीं 400 पार वाले नारे को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं ने बीएल संतोष को बताया कि विपक्ष लोगों को यह गुमराह करने में सफल रहा कि अगर भाजपा को 400 से अधिक सीटें मिली तो वह संविधान बदल देगी। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि एक से दो बार जीते हुए सांसदों की बड़ी संख्या को फिर से टिकट देना भी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि मतदाताओं में उनके खिलाफ असंतोष व्याप्त था। भाजपा के क्षेत्रीय प्रमुखों ने पार्टी के राज्य नेताओं और जिला इकाइयों के बीच समन्वय की कमी का भी मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बैठक में मौजूद भाजपा के एक क्षेत्रीय प्रमुख ने कहा कि कुछ विधायक लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ काम किया और पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित की। वहीं बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, आप भी सुनिए। आज संगठन की बैठक थी, उसमें पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम है उनकी चर्चा हम लोगों ने की है। अभी एक वृक्ष माँ के नाम एक अभियान हम लोगों को चलाना है। 14 तारीख को माने राष्ट्र अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, बड़ी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। उसके बाद उन्हीं विषयों को लेकर कोर कमेटी में चर्चा हुई है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय पदाधिकारी के नाते माने संगठन जी मंत्री जी के प्रवास के क्रम में इस प्रकार की बैठकें, कार्यक्रम, अभियानों की समीक्षा करना, आगामी कार्य योजना बनाना, ये उसका हिस्सा रहा। हाँ, उपचुनावों को लेकर भी हमने संगठन की दृष्टि से जो संगठनात्मक काम है अपने बूथ के, सेक्टर के, मंडल के, उनकी हमने तैयारी पूरी की है। सर, कल भी कल भाई साहब का प्रवास है, उसमें अलग अलग ग्रुपों में बैठ के हैं, संगठन की दृष्टि से संगठन के काम को लेकर बैठ के वो करेंगे। सर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो कहाँ पर होगी? सीतापुर रोड पे एक बड़े परिसर है, क्योंकि लगभग बड़ी बैठक है सब, और उसमें 4000 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माने राजनाथ सिंह जी का, सभी माने मुख्यमंत्री जी का, हमारे दोनों डिप्टी सीएमओ का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिलेगा। हार के कारणों पे भी समीक्षा? नहीं, हार के कारणों का या परिणामों को लेकर हम लोगों ने, पार्टी ने स्थानीय स्तर पर बातचीत करके एक मोटा मोटा राय बनाई है, पर वो राय जो भी उसकी रिपोर्ट है तो हम लोग केंद्रीय नेतृत्व। बैठक में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों और भविष्य की बेहतर रणनीति बनाने पर भी चर्चा हुई। काफी समय बाद ऐसा हुआ जिसमें सीएम आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक साथ शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ भाजपा नेता बीएल संतोष ने दो बैठकें की। पहली बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महासचिव संगठन धर्मपाल सिंह की कोर कमेटी के साथ बंद कमरे में हुई। इस बैठक में बीएल संतोष ने आगे की रणनीति और 10 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव पर जोर देते हुए चर्चा की। वहीं इस बैठक में सीएम योगी ने राष्ट्रीय संगठन मंत्री को महत्वपूर्ण उपचुनाव जीतने के लिए उठाए जा रहे कदमों और रणनीति के बारे में भी बताया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।